आज का ये वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का रहेगा। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस की दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है, फॉर्म निकले हुए, जिन्होंने नहीं भरे तो भर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम आज से कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए यूजफुल भी रहेगी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हर किसी के लिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो बताना, तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और पहला चैप्टर देखिए प्रतिशतता। जो प्रतिशत होता है इससे हमेशा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके के। और मैं स्पेशली बात करूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रतिशत स्पेशली परसेंटेज की मैं बात करूं यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस में 3 सवाल आपको मिलेंगे और ज्यादा बड़े बड़े नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से आते हैं सवाल और बहुत ही आसानी से उनको कर पाओगे। बस उनमें करने की आपको ट्रिक अच्छी पता होगी तो उससे क्या होगा, जल्दी कर लोगे, बस समय का खेल है सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या है, ज्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन सीधे सीधे बात करें, कोई चीज को 100 भागों में डिवाइड करना, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। और उस चीज के, जैसे कि मैं बात करूं किसी चीज का, आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। यदि कोई भिन्न आपको दे रखी है, जैसे कि आपको भिन्न दिया है, भिन्न कोई भी चीज आपको दिया है, ये आपका ट्रिक, ठीक है। आपको पहले ट्रिक नहीं, पहले नॉर्मल समझ लीजिएगा, ट्रिक तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। पहले भिन्न दिया है, जैसे कि आपका 4/5 दिया है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, भिन्न हो या कोई भी संख्या है, उसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, यानी कि इसको प्रतिशत में बदलो। तो कैसे करेंगे, बस 4/5 × 100, बस हो गया, तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, आप सीधे सीधे 5×10 = 20 आ जाएगा, 20×4 = 80, कितना आ गया, 80% आ गया, ठीक है। 4/5 का मतलब कितना हो गया, 80%, ठीक। ऐसे यदि कोई कोई क्या होता है भैया, 40 को प्रतिशत में बदलो, कोई बात नहीं, 40 का प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 40 में गुणा आपको 100 की करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, 100 यानी 4000% हो गया। समझ पा रहे हो चीजों को, बहुत इजीली समझिएगा, चलेगा। अब सीधे सीधे हम आगे की बात करते हैं, ट्रिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से। पहला एक सवाल है आपका, सवाल इस तरीके का है जो आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये ट्रिक नंबर एक समझ लीजिएगा। जैसे कि आपसे कहे कि संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत है, मैं कह रहा हूं संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत है, ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे, जब भी कभी भी इस टाइप का आपको दिखाई दे, ये क्या बोल रहा है, संख्या 24 120 का, या यहां से कहते संख्या 24 120 से कितना प्रतिशत है, का आ जाए या यहां पर से लगा दे, इसको हमेशा नीचे रखना है, क्या करना है, का वाले को हमेशा बट्टे में रखना है, क्या का वाली संख्या को हमेशा बट्टे में रखना है, ऊपर आपको ये रखना है और गुणा क्या कर देनी है, परसेंटेज में बदलना है, 100 की गुणा कर देनी है, ये आपका उत्तर आ चुका है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, आप 24×5 = 120 होते हैं, या फिर आप ऐसे काट दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, अब ये 12 से ये कट जाएंगे, 2 × 12 = 24, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, क्लियर हुई बात, नहीं आई तो 20% आ जाएगा। कैसे आया, नहीं समझ में आया, 24 अब वैसे भी दिखाई दे रहा, देखिएगा आपको दिखाई दे 0 से 0 काट दिया और 12×24 हो गए, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरी ट्रिक आपका, यदि इसी तरीके से आपसे कहे कि भाई आपसे कह रहा है कि 250 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, का ये संख्या बदल गई, अब चीजें आपकी बदल गई, कैसे बदल गई कि 250 ग्राम 3 किलोग्राम का, याद रखिएगा जब भी कभी भी परसेंटेज पूछेगा
तो आपका ग्राम का ग्राम के साथ ही रहेगा कॉम्बिनेशन, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर किलोग्राम का कहने लगे कि भैया 5 लीटर से कितने प्रतिशत है, नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसका, इस सवाल को यदि दूसरे नजरिए से देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 250 ग्राम 3 किलोग्राम का मतलब क्या है, 3 किलोग्राम का मतलब हो गया 3000 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 250 ग्राम का इस ग्राम वाली से कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब आ गया 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, तो मतलब 3000 नीचे आ जाएगा, ऊपर 250 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा। अब समझ में आई बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिखाई देगा एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आ गया 250/30 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 25/3 आ जाएगा, ये प्रतिशत आ गया, इतने प्रतिशत आ जाएगा। अब 25 में आप भाग कर लीजिएगा, 25 में भाग करेंगे 3 अट्ठे 24, फिर एक बचेगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर आप इतना ही लिख दीजिएगा, ऐसे एक बचा है ना, ये तो कितना आ गया, ये चीज आ जाएगी आपका 8/1/3%, कितना आ जाएगा 8/1/3% आपका आ गया, ठीक है, समझ पाए चीजों को। यदि यहीं पर आपसे कहता कि ये यहाँ पर यदि कहता कि ये 150% है तो बताइए, 150 और इजी हो जाएगा, क्योंकि बात वही है। यदि आपसे ये 150 कहेगा तो आपको क्या करना है, 150, ठीक है, और 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम इंटू 100%, इतना आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ गया 150/30, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 1 5 बार कट गया, 5% आपका आ चुका है, कितना आ गया 5%, समझ में आई बात, इसी तरीके से आप कर लो, क्लियर है बात। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न यदि कहेगा संख्या 120 का 40% कितना है, ठीक है, 120 का 40% कितना होगा भाई, आपको देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि कोई कहे आपसे कि भाई ये कि 50% को संख्या बनाओ, क्या बनाओ, 50% को संख्या में बदलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 × 1/100, क्या करना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ेगा, अर्थात इस 50% को यदि संख्या में बदलना है तो 50/100, यानी कि इस परसेंटेज को हटा देंगे तो उसमें 100 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है, और परसेंटेज लगाएंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, 100 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 50% को संख्या में बदलेंगे तो मतलब क्या है, 50% का मतलब हो गया 50 × 1/100, अब 50 से 1 जाएगा 100 दो बार तो 1/2, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा है 120 का 40%, तो 120 का की जगह पे लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये 40 जो है 40, और यहाँ पर कर देंगे 1/100, इस तरीके से भाई 40 इस परसेंटेज को हटाया तो क्या लगा दिए, 100 लगा दिए नीचे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 12 × 4 = 48, तो कितना आ गया, 48% आ गया, कितना आ गया 48%, ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को। चलिए बस चीजों को सीखना है आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, आगे देखिएगा, चौथा देखिएगा। अब ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, संख्या से परसेंटेज और परसेंटेज से संख्या, ठीक है, आगे देखिएगा। अब कह रहा है संख्या 2000 का 12% का 20%, क्या कह रहा है, 2000 का 12% का 20% क्या होगा भाई, बहुत ही शानदार, क्या है 2000 का 12% का 15-20%, तो इस तरीके कोई दिक्कत नहीं, देखो आपको घबराना कुछ नहीं है, ये देखिए ये 2000 है, ये 2000 हो गया, इसका की जगह पर क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दी, 12% की जगह पर 12/100 कर दिया, ठीक है, फिर
इसका की जगह पे फिर से कई गुणा आ गया, इसका की जगह फिर से गुणा आ गया, विपरीत का मतलब 20% का मतलब 20/100 हो गया, ये चीज आ गई। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना बचेगा, 2 × 12 × 2 तो कितना हो जाएगा, 12 × 24 = 48 इतना आ गया। समझ में आया या नहीं आया, कितना आया 48 आ गया आपका उत्तर। समझ में आई चीज है नहीं आई, हाँ एक चीज है, जब इसने परसेंटेज बिगाड़ दी हटा दिया तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगेगा, क्या परसेंटेज नहीं लगेगा, तो ये 48 आपका उत्तर आएगा क्योंकि परसेंटेज तो आपने हटा दिया यहाँ से, ठीक है चलिएगा। और ये पांचवा प्रश्न आपको समझ में आया नहीं आया, एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे कि यदि आपसे कहे कोई 5000 का 10% का 20%, अब आपसे ऐसे कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 5000 है इसका की जगह पर गुणा लगाया 10/100 हमने क्या कर दिया 100 कर दिया, फिर इसकी का की जगह पर गुणा लगाया 20% की जगह पर 20/100 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जीरो से ये कट गया, तो कितना आ गया 50 × 50 = 100, तो कितना आ गया 100, इतना आ गया। समझ में आई बात नहीं आई, इस तरीके से कर लेंगे हम। पांचवा सवाल और देखिए, पांचवी ट्रिक, पांचवा कॉन्सेप्ट देखिएगा, यदि आपको किसी भिन्न से आपको क्या करना है, परसेंटेज बदलना है, यदि कहे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, अब 2/5 है प्रतिशत में बदलना है, तो 2/5 को हम क्या कह सकते हैं भाई, 2/5 × 100, 2/5 × 100 कह देंगे और ये परसेंटेज में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से ये कट गया 2 × 20 = 40, तो कितना आ गया 40% आपका आ चुका है। यदि आपसे इसी तरीके से आपसे बोले कि भैया 4/5 को बदलो, तो 4/5 × यहाँ पे 100 कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा, आपको पता है 5 से ये 20 बार कटेगा, 20 × 4 = 80, तो ये 80% आ जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, चलिएगा छठा देखिएगा, छठा प्रश्न है, यदि आपसे कहे किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ, संख्या बताओ, इस तरीके के सवाल यदि आपसे कहेगा तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है कि भैया सवाल में कि 16 जो प्रतिशत है वो कितना है 48 है, कितना है 48 है, तो भाई आपको क्या करना है, आपको तो ये बताना है कि 16% 48 है, तो भैया संख्या जो होगी वो पूरी 100% होगी, संख्या जो होगी पूरी 100% होगी, तो हम क्या करेंगे यहां से पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकलेगी तो 48/16, और हमेशा हमको संख्या जो होगी हमेशा 100% होगी, तो 48/16 × 100 हमेशा 100 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 × 48 3 बार 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 आ जाएंगे, 300 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि किसी संख्या का 16% यदि 48 है तो वो संख्या कितनी होगी, वो 300 होगी, नहीं तो देख लो 300 का 16% करेंगे तो 48 ही आएगा, 300 का 16% करेंगे तो वो 48 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है चलेगा। आपको हर तरीके का सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। यदि आपसे कहे कि किसी संख्या का 15%
15% किसी संख्या का, ऐसा कहे 15%, 15%, 15,000, 15,000 है तो बताओ बताओ संख्या क्या है, संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या कहा है, 15%, यानी कि 15 जो प्रतिशत है वो कितना है, वो 15,000 है। कितना है, 15,000 है, ठीक है। 15% जो है आपका 15,000 है, ठीक है। तो यहां से हम पहले क्या कर देंगे, सीधे सीधे 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 15,000/15 जो भी कुछ है वो नीचे ले आओ और डायरेक्टली यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15,000/15 × हम क्या 100 की मल्टीप्लाई, हर किसी में 100 की मल्टीप्लाई करनी है जब संख्या आपसे पूछे, ठीक है। तो देखिएगा 15 से ये कट जाएगा एक बार, तो 1000 आ जाएगा और इसमें 2 जीरो और आ जाएंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो यही आपकी संख्या होगी। क्योंकि भाई संख्या ये कह रहा है, संख्या का 15% इतना है, 100% कितना होगा। जब भी कभी भी आपसे कहे क्या भैया 40% आपका 800 है, 40% 800 तो संख्या बताओ, सीधी सीधी बात है, 800 जो है इसमें क्या करेंगे, नीचे 40 की गुणा करके 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर देंगे, 4 × 8 = 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 2000, इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए छठा हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे सातवां क्या है, आपके सातवां देखेंगे। यदि आपसे कहे कि किसी संख्या का पूर्णांक 100 अंक है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, क्या आ सकता है कि यदि किसी छात्र, यदि कोई विद्यार्थी है वो एक ऐसी कक्षा में है जिसमें 7 या 6 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो उसे कुल मिलाकर 480 अंक मिले तो बताओ उसके कितने प्रतिशत हुए। या आपसे कहेगा एक विद्यार्थी को उसके एग्जाम में 600 में से 480 अंक मिले या 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए तो बताओ कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। बात वही है कि इसने क्या बोल दिया, ये सवाल इस तरीके से हो गए। इतनी परिभाषा लिखने के बाद हमको ये पता चला कि 600 अंक का 600 अंक में से कितने 480 अंक प्राप्त हुए। बस तो भैया बताओ परसेंटेज बताओ, या आपका इतना हो गया 600 का कितना प्रतिशत 480 होगा, कुल मिलाकर बात वही चीज हो गई ना। तो आपसे कहे इस तरीके से तो घबराना नहीं है, आपको क्या है 600 में से कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 480 प्राप्त हो रहे हैं। परसेंटेज बनाना है तो गुणा 100 कर देना है, बस बन गया भाई परसेंट में, बस बात खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, अब ये 6 8 48 तो 80% आ गया,
80% देख लो है, बात कर लो 600 का 80% निकाल के देख लो, 600 का 80% मतलब क्या है, 600 गुणा 80 बट्टे 100 करेंगे तो 480 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 48 48 और 0 बात वही आई नहीं आई, 600 का कितने परसेंट 480 या 600 का 48 80% इतना। तो बात समझ गए, जब भी कभी भी कहे कि पूर्णांक किसी चीज का जितना भी है उसको हमेशा पूर्णांक, ये फॉर्मूला इस तरीके से रहता है, पूर्णांक बट्टे प्राप्तांक, पूर्णांक बट्टे प्राप्तांक इंटू 100 और ये बन गया परसेंटेज। यदि किसी बच्चे की परसेंटेज निकालनी है तो क्या बनता है, पूर्णांक प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक यानी कितने प्राप्त किए, 480 प्राप्त किए बट्टे पूर्णांक कितने में से, 400 में से 480, 600 में से 480 प्राप्त किए। ठीक है, आगे आगे आपका आठवीं ट्रिक देखिएगा, आठवां यदि कह रहा है एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, ये कह रहा है एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों को 60% लड़कों का 60% है, यदि लड़कों का 60% है तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो एक कक्षा में, अरे ये गलत कर दिया मैंने सवाल, चलिए वो बात का दो सवाल मिक्स कर दिए मैंने। यदि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यदि 450 विद्यार्थी, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत बताओ। ठीक है, यहां से ये भी कह सकता है कि भाई 500 विद्यार्थी में से 450 पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता है, या आपसे कहे कि कितने विद्यार्थी फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये पता है कि टोटल कुल कितने थे, कुल छात्र थे 500, जिसमें से 450 आपके ये पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, घटा देंगे तो ये फेल वाली संख्या निकलेगी, कितने फेल हुए भाई 450 से टोटल मिलाकर, जिसमें से कुल थे 500 विद्यार्थी, 450 पास हो गए तो फेल कितने, 50 फेल हुए, कितने में से 50 फेल हुए, 500 में से, 500 में से 500 विद्यार्थी में से कितने फेल हुए, 50 फेल हुए। अब इनका परसेंटेज निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 5 से कट गया ये, तो ये कितना आ गया, वैसे देखा जाए तो 50/5 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 10% आ गया। समझ में आई चीज है, नहीं आई, अब आपको ये पता चल गया 10% आपके यदि फेल हुए रहे हैं तो 90% क्या है, 90% पास हो रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, यदि यही से पूछा कितने पास हुए हैं तो आप कह देते 500 में से 450 यदि पास हो रहे हैं, ऐसे निकालते। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 9 90% आपका निकल के आ जाता है, 90%। ठीक है, इस तरीके से आपकी इच्छा जैसे चाहो वैसे निकाल। ठीक है, आगे देखिएगा आठवां, नौवां देखिएगा, नौवां है किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं,
किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों का प्रतिशत बताओ। बड़ा शानदार सवाल है। यदि एक मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये कह रहा है कि आपका ये कि 2000 विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर, ठीक है, लड़कियों की संख्या पूछोगे, हाँ लड़कियों के प्रतिशत नहीं, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या पूछी है, क्यों भाई परसेंटेज तो वैसे पता चला। अब देखिए 2000 इनको मारा, बोले अब ये सीधी देखो कुल 2000 है जिसमें से 60% लड़के हैं, तो मतलब क्या है ये 60% क्या है लड़के हैं, तो वैसे ही हमको पता चल रहा है कि इसमें 40% क्या बची, लड़की बची कि नहीं, आपको वैसे ही पता चल गया भाई लड़का लड़की मिला के टोटल 100% होंगे पूरे टोटल छात्र, ठीक है, जिसमें से 60% लड़के हैं तो 40% लड़की बची। अब इनकी संख्या निकालनी है तो सीधी सीधी बात है 2000 का 40% निकाल दो, 2000 का 40% निकलेगा कैसे निकलेगा, 2000 का 40% निकाल दो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, तो 2000 गुणा 40 बट्टे कर देंगे 100 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो क्या आ जाएगा 4 × 8 800 लड़की आ जाएगी, 800 लड़की आ जाएगी। अब आपको 60% लड़के हैं तो आपको पता है 2000 टोटल थे, 2000 में से 800 निकल गए तो 1200 लड़के बचेंगे यदि पूछ ले। सवाल को और मॉडिफाई कर देता है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपसे पूछे तो 1200 बट्टे 800 इस तरीके से कह देंगे, ये दोनों कट गए तो 12 बट्टे 8, 4 से काट दो, 4 × 12 = 8, 3 बट्टे 2 अनुपात हो जाएगा, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात इस तरीके से अनुपात में पूछ सकता है। सवाल जैसा हो वैसा उत्तर रहेगा। एक और में परसेंटेज वाला एक मस्त तरीके की चीज आपको बताऊंगा ट्रिक, तो 10 ट्रिक हो जाएगी, हर वीडियो में 10 ट्रिक आपको बताऊंगा, मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन वाली, ठीक है। और ये तो नॉर्मल सी चीज है जो आपको सब चीज आनी चाहिए, छोटी से छोटी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। एक क्वेश्चन आपसे मैं कह रहा हूं सीधी सीधी बात, एक व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, एक व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा, 10% शिक्षा, 20% भोजन, 20% भोजन, 20% भोजन, 40% कपड़ों पर खर्च करता है, 40% कपड़ों पर खर्च करता है, उसकी बचत 2700 रुपये है तो कुल आय, उसकी बचत 2700 रुपये है तो उसकी आय बताओ, आय आय मत समझ लेना, बात समझो, देखो कितना मस्त तरीके से कहा है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर, यानी कि वो पूरी चीज खर्च कितना करता है, खर्च करता है 10%
10% + 20% + 40% ये खर्च कर दिया, तो टोटल मिलाकर उसने कितना 40 और 20 60 और 10 70 70% उसने टोटल मिलाकर खर्च कर दिया। टोटल 70% तो उसका खर्च हो गया। अब बचत कितनी बची? बचत उसकी इस 70% खत्म हो गया, तो बचत उसकी कितनी 30% बची, क्योंकि टोटल आए तो उसकी 100% होगी। भाई खर्च उसने 70% कर दिया तो बचा कितना 30% उसकी बचत हुई, 30% बचत हुई। तो भैया बताओ, जब आपसे कह रहा है, अब ये कहा है कि उसकी बचत कितनी है 2700 रुपए है, तो मतलब क्या है कि 30% बराबर उसका 2700 रुपए है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, 1% की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2700/30 आ जाएगा। अब हम 100% यानी पूरी आय उसकी 100% होगी, 100% में हम क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका निकल के आ चुका है पूरा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 × 27 900 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 900 × 10 तो कितना आ जाएगा 9000 रुपये। 9000 रुपये उसकी आय रही, 9000 उसकी आय रही, जिसमें से वो 70% खर्च कर देता है, 30% अपने घर में बचत के लिए रख लेता है। तो 9000 रुपये उसकी टोटल आय थी, जिसमें से 30% देखोगे 9000 का 30% निकालोगे तो 2700 रुपये निकलेगा। 9 × 3 = 27 यानी 2700 हो गया। ठीक है, आज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और बनाता रहूँ, अदरवाइज एक का छोड़ देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप ऐसी वीडियो और देखने के इच्छुक रहेंगे। हर चैप्टर के में परसेंटेज, अनुपात, साझा, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, हर तरीके के सवाल सब तरीके करा दूंगा जो कॉन्स्टेबल तक की भर्तियों में आते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या यूपी पुलिस का हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा। जय।